नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के नेक्स्ट सीरीज में मैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि जो नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको उसके इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर किस तरह से होता है, यानी हमारा जो लेक्चर सीरीज है उसमें होता है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में जैसे कि हम देखते हैं कि जो एक्चुअली जो कंप्यूटर्स बने हैं उसको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, और ये दो ब्रॉड कैटेगरीज जो होता है उसके बेस पर है कि बेस्ड ऑन द डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज और बेस्ड ऑन द साइज के बेस पर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसमें कि डेटा हैंडलिंग के बेसिस पे तीन टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। और अगर हम उसी को अगर हम साइज के बेसिस पे चलते हैं तो सुपर कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स होता है, वर्क स्टेशन होता है और माइक्रो कंप्यूटर। तो ये जो मिनी स्टेशन और वर्क स्टेशन होता है ये सब अपने बेसिस पे काम करते हैं, यानी जो उसकी कैपेबिलिटीज है उसके हिसाब से वो वर्क करते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में सबसे पहला जैसे कि है एनालॉग कंप्यूटर। अगर हम पहले बात करते हैं डेटा के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज, द कंप्यूटर्स ऑफ थ्री टाइप, तीन टाइप के होते हैं। पहला जो होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में जो बताया गया है कि द कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू प्रोसेस द एनालॉग डेटा, यानी जो एनालॉग सिग्नल्स होती है जो हमारे पास मैकेनिकल जो मशीन से जो डेटा आता है उस डेटा को रीड करता है और उसको एनालिसिस करता है। तो एनालॉग डेटा इज कंटिन्यूअस डेटा दैट चेंजेस कंटिन्यूअसली एंड कैन नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यूज सच एज स्पीड, टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड करेंट्स। तो इसका मतलब है जब स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर एंड करंट ये जो वैल्यूज होता है ये कंटिन्यूअस जो चेंजेस होते हैं उसको हम लोग एनालॉग डेटा माना जाता है, यानी कंटिन्यूअस डेटा दैट चेंजेस कंटिन्यूअसली, यानी जिसमें जैसे टेम्परेचर में चेंजेस कंटिन्यूअस आता है, जैसे स्पीड में हम स्पीड बढ़ाते हैं और कम करते हैं, यानी एक सिक्वेंस में बढ़ता है एक सिक्वेंस में कम होता है, प्रेशर भी उस तरह से होता है, करंट जैसे फ्लो होता है कभी ज़्यादा होता है कभी फ्लो, तो इनको हम एनालॉग डेटा की तरह ट्रीट करते हैं। The analog computer measures the continuous changes in physical quantity and generally render output as a reading of a dial or scale. यानी जैसे कि dial के through या scale के through measure करके जो हम data निकालते हैं उसको analog data के तरह लेते हैं। Analog computer directly accept the data, जो directly accept करता है from the measuring device, जैसे मैंने बोला है कि speedometer से directly वो लेता है data, और उसके बाद या pressure से, pressure meter से लेता है, या temperature जो होता है उस device से वो direct लेता है, और without first converting, और उसके बाद जो होता है उसको जैसे हमने speedometer से data निकला है कि जैसे needle जैसे जितना move कर रहा है उस हिसाब से हमको data मिल रहा है, उसके बेस पर एक हम value define कर देते हैं, यानी जिसको हम लोग number या codes बोलते हैं। और जैसे स्पीडोमीटर या मर्करी थर्मोमीटर्स आर एग्जांपल ऑफ द एनालॉग कंप्यूटर्स। जैसे हमारे गाड़ियों में स्पीडोमीटर काम करता है तो उसका एक वैल्यू हम कन्वर्ट कर लेते हैं। सेम एज जैसे कि अगर हम बात करते हैं दूसरे टाइप का डेटा, यानी डेटा के बेस पर तो वो होता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर इज डिजाइन टू परफॉर्म कैलकुलेटेड एंड लॉजिकल ऑपरेशन एट हाई स्पीड। यानी डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो डिस्क्रीट जो डेटा होता है उससे डिफरेंट होता है, जिसमें हम लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ये जो ऑपरेशंस प्रोवाइड होता है जिसको हम लोग डिजिटल कंप्यूटर की तरह ट्रीट करते हैं। इट एक्सेप्ट द रॉ डेटा एज डिजिट्स और नंबर्स एंड प्रोसेस इट विद द प्रोग्राम स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी टू प्रोड्यूस आउटपुट। तो इसका मतलब है कि डिजिटल जो कंप्यूटर होता है वो एक तरीके से इनपुट लेता है, उसमें लॉजिकल ऑपरेशन एंड कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, और उसके बाद जो डिजायर आउटपुट है वो प्रोड्यूस करता है और या तो फिर उसको मेमोरी में स्टोर करके रखता है। ऑल मॉडर्न कंप्यूटर लाइक लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स दैट यूजेस एट होम ऑफ द, तो जितने भी मॉडल कंप्यूटर यानी लैपटॉप्स होते हैं वो सारे डिजिटल कंप्यूटर के कैटेगरी में आता है। अब आ जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जिसमें कि हम एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स को एक साथ परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने स्पीडोमीटर से डेटा को लिया, उसको हम एक वैल्यूज में कन्वर्ट किया यानी कोड फॉर्म में कन्वर्ट किया, और उसको फिर एनालिसिस प्रोसेस में डिजिटल कंप्यूटर में पास किया, और एनालिसिस करने के बाद ये बताता है कि अभी इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड हाई है या लो है। इसको लॉजिकल ऑपरेशन के थ्रू हम ये बताते हैं कि इसका स्पीड हाई हो गया है तो हम इसको लो करना है, यानी लिमिट के बाहर चले गया। तो इस तरह से हम एनालॉग डेटा को एज ए डिसीजन मेकिंग में लेते हैं और उसके बेस पर एक डिसीजन आउटपुट के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे कंप्यूटर को हम हाइब्रिड कंप्यूटर करते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर हैज ए फीचर ऑफ बोथ एनालॉग्स एंड डिजिटल डेटा, जो मैंने एग्जांपल दिया है।
इट इज अ फास्ट लाइक एनालॉग कंप्यूटर्स एंड हैज मेमोरी एंड एक्यूरेटली बाय डिजिटल कंप्यूटर्स, यानी डेटा लेता है, प्रोसेस करता है, कन्वर्ट करता है, प्रोसेस करने के बाद उसको स्टोर करके रखता है फ्यूचर पर्पस के लिए. इट कैन प्रोसेस बोथ कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट डेटा. सो इट इज वाइडली यूज्ड इन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन वेयर बोथ. इस तरह से एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं. एक प्रोसेसर यूज्ड इन पेट्रोल पंप्स दैट कन्वर्ट्स द मेजरमेंट ऑफ फ्लो फ्यूल फ्लो इनटू क्वांटिटी एंड प्राइस. तो इसका मतलब है पेट्रोल पंप में जो मशीन लगे हुए जिसके थ्रू हमारा पेट्रोल भरा जाता है, वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें कि जो फ्यूल का फ्लो होता है उसके बेस पर उसका प्राइस डिसाइड होता है और उसके क्वांटिटी डिसाइड. इस तरह से अगर हम साइज के बेसिस पे चलते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज कंप्यूटर कैन बी फाइव टाइप्स: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी फ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और मिनी. अगर हम इसको सीक्वेंस की बात करते हैं तो ये लार्जर टू स्मॉलर स्केल में कन्वर्ट होता है, यानी फ्रॉम सुपर कंप्यूटर से लेके मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर जो होता है लार्जर टू स्मॉलर साइज में आता है. सुपर कंप्यूटर की जो कैपेसिटी होता है का बिगेस्ट एंड द फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है, यानी इसमें प्रोसेसिंग फास्ट होता है और ये बहुत बड़ा भी होता है, ज्यादा से ज्यादा डेटा को प्रोसेस करता है. दे आर डिजाइन टू प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, जैसे बहुत ज्यादा बड़ा डेटा होता है, बहुत नंबर ऑफ डेटा बहुत ज्यादा होता है, उसको हम एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं. सुपर कंप्यूटर प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सेकंड. तो इसीलिए हम जब हम ह्यूज डेटा की बात करते हैं तो इसमें एक सेकंड में, यानी ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है एक सेकंड में प्रोसेस होता है, एग्जीक्यूट होता है. इट हैज थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर, यानी ये इतना बड़ा होता है कि इसमें बहुत सारे प्रोसेसर, यानी थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिससे कि ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में परफॉर्म कर सके और ह्यूज डेटा को प्रोसेस करके उसका रिजल्ट दे सके. सुपर कंप्यूटर्स आर पर्टिकुलरली यूज्ड इन scientific purpose and engineering applications such as weather forecasting, scientific simulation and nuclear energy research. तो इसका मतलब सुपर कंप्यूटर का यूज होता है कुछ स्पेसिफिक एरिया में होता है जहाँ हमें एक्यूरेसी एंड ह्यूज डेटा पे काम करना पड़ता है. तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाई द रॉजर क्रे इन 1976. इसके बाद हम मेन फ्रेम की बात करते हैं, यानी जो सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा छोटा होता है साइज में. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू सपोर्ट हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियस. तो इसमें हम ह्यूज डेटा ना रिस्पेक्ट में बात ना करके हम ह्यूज यूजर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, यानी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूजर जो होता है एक कंप्यूटर के साथ जुड़ के काम करता है. तो दे कैन सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम. इट मीन्स दैट दे कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली. इसका मतलब है डिफरेंट यूजर्स से जो डिफरेंट प्रोसेस आता है, उसे रिक्वेस्ट आता है, उसको वो एग्जीक्यूट करता है, यानी एक ही डेटा पे काम ना करके मल्टीपल प्रोसेस पे काम साइमल्टेनियसली करता है और सारे यूजर को एक साथ जो होता है एग्जीक्यूट करता है. तो दीज फीचर्स ऑफ मेनफ्रेम कंप्यूटर्स मेक देम आइडिया फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंकिंग, टेलीकॉम सिस्टम विच नीड टू बी मैनेज एंड प्रोसेस हाई वॉल्यूम डेटा. जैसे कि SBI जो होता है अपने लाखों यूजर्स को एक साथ जो होता है ऑपरेट करता है एट द सर्वर जो कि मुंबई में सिचुएटेड है, तो वहाँ से वो सारी चीज़ों को हैंडल करता है. साइमल्टेनियसली जो भी लॉगिन होता है, लॉगिन प्रोसेस, जो भी अकाउंट्स को चेक करना है, फंड ट्रांसफर करना है, सब साइमल्टेनियसली प्रोसेस होता है, बट मल्टीपल यूजर के थ्रू वो प्रोसेस होता है और जिसको वो एग्जीक्यूट करता है. सेम एज हम अगर लोअर वर्जन में, यानी साइज के हिसाब से अगर थोड़ा सा लोअर साइज में जाते हैं तो वो मिनी फ्रेम नेक्स्ट टाइप ऑफ जो साइज के बेस पर कंप्यूटर होता है, मिनी फ्रेम कंप्यूटर होता है. तो इट इज मिड साइज मल्टीप्रोसेसिंग कंप्यूटिंग होता है, यानी एक छोटा सा कंप्यूटर लेकिन मल्टीपल प्रोसेसिंग कंप्यूटर होता है. इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्रोसेसर, यानी एक साथ मल्टीपल प्रोसेसर रखता है और जो कि 4 to 200 यूजर्स एट अ टाइम सपोर्ट करता है. मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज इन इंस्टीट्यूट एंड डिपार्टमेंट फॉर द टास्क सच एज बिलिंग, अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए होता है. तो यानी हम जब साइज की बात करते हैं तो थर्ड कैटेगरी में, यानी थर्ड टाइप्स ऑफ जो साइज की बेस पर आता है मिनी फ्रेम, जो कि कॉलेजेस के लिए काम आता है और कॉलेजेस में जैसे कि बिलिंग अकाउंटिंग प्रोसेस को या इन्वेंट्री मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए, जिसमें कि मल्टीपल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट जो होता है वो एक साथ कनेक्ट हो सकता है मल्टीपल यूजर के साथ. वर्क स्टेशन जो होता है थोड़ा सा साइज में और छोटा होता है मिनी फ्रेम से, और वर्क स्टेशन इज अ सिंगल यूजर कंप्यूटर दैट इज डिजाइन फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन, यानी एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को करने के लिए उसको बनाया जाता है, जिसकी जो फीचर्स होते हैं हाई होता है और उसमें जो प्रोसेसिंग होता है थोड़ा सा फास्ट होता है. द
it has faster microprocessor, larger amount of RAM and high speed graphics adapter. For example, suppose कर लो मैं अगर college purpose के लिए एक weather system बनाना चाहता हूँ जो कि मेरे huge data को एक local data को यानी जैसे एक particular district के data को execute करने के लिए देता है तो उस data को मैं connect करके उसका एक dedicated system में provide करता हूँ तो वो जो dedicated system होगा वो faster processor based होगा और high RAM होगा ताकि वो execution करके मुझे कुछ उस तरह से research purpose के लिए अगर मैं कोई execution करता हूँ तो मुझे एक special type of जो computer की require होती है जिसको हम workstation कहते हैं तो in general जैसे for example हम देख सकते हैं in general perform a specific job with great expertise इसका मतलब है workstation को handle करने के लिए हमको एक expert की जरूरत होता है जो कि particular operation को perform कर सके accordingly they are the different types of such as graphics workstation जैसे कि हम film industry की बात करते हैं तो जैसे कि graphics workstation होता है music workstation होता है engineering design workstation होता है जिसमें कि graphics workstation में जो movies बनते हैं graphical based उसको हैंडल करने के लिए एक एक्सपर्ट होता है म्यूजिक वर्कस्टेशन में हैंडल करने के लिए म्यूजिकल एक्सपर्ट होता है जो कि उसको हैंडल कर सकता है कोई भी पर्सन उसको हैंडल नहीं कर सकता सेम एज इंजीनियरिंग डिजाइन वर्कस्टेशन में जैसे कि हम अगर कोई कार की बॉडी डिजाइन कर रहे हैं कोई इंजीनियरिंग मॉडल डिजाइन कर रहे हैं CAD या CAM सॉफ्टवेयर के थ्रू तो उसमें एक इंजीनियरिंग एक्सपर्टिस ही होगा जो उसको हैंडल कर सकता है एक नॉर्मल यूजर उसको हैंडल नहीं कर सकता सेम एज अगर हम लास्ट कैटेगरी में आते हैं तो माइक्रो कंप्यूटर्स होता है जो कि जनरली सभी के पास होता है जैसे लैपटॉप या जो डेस्कटॉप होता है वो माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है जिसमें कि जो सभी पर्पस जो होता है अपने जो छोटे मोटे काम या जो छोटे मोटे यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको एग्जीक्यूट कर सकता है माइक्रो कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज ए पर्सनल कंप्यूटर इट इज जनरल पर्पस कंप्यूटर दैट इज डिजाइन फॉर इंडिविजुअल यूज एंड एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूज के लिए होता है उसके लिए एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है इट हैज ए माइक्रोप्रोसेसर हैज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स मेमोरी स्टोरेज यानी जो जनरल हमने कैरेक्टरिस्टिक्स एक कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है वो सारी चीजें इसमें होती है इसमें एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है मेमोरी होता है स्टोरेज एरिया होता है इनपुट डिवाइसेस होते हैं आउटपुट यूनिट होता है यानी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर द एग्जांपल ऑफ मिनी कंप्यूटर तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कंप्यूटर्स होता है उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं उस टाइप्स को हम डेटा के फॉर्म में एंड साइज के फॉर्म में डिवाइड करते हैं डेटा के फॉर्म में तीन टाइप्स होते हैं और साइज के फॉर्म में हमारे पास फाइव स्टेप्स अवेलेबल है तो इस तरह से सुपर कंप्यूटर्स लेके माइक्रो कंप्यूटर तक हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं साइज के बेसिस पर और उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है आपको पता चल सके कि किस तरह से आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते और हो सके तो अगर आपके पास कोई क्वेरीज है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं तो मैं आपके जो क्वेरीज है उसका आंसर और जवाब डेफिनेटली लिखूंगा थैंक यू